तो गाइज आज जो आपके लिए एप्लीकेशन लेकर आया हूँ उसमें आपको साइन अप करने के लिए 25 रुपीज़ मिलेंगे और पर रेफर यहाँ पर आपको 25 रुपीज़ मिलेंगे। यानी कि सिर्फ साइन अप कीजिएगा और एक छोटा सा टास्क आपको परफॉर्म करना और 25 रुपीज़ मिल जाएगा और पर रेफर के भी 25 रुपीज़ मिल जाएगा। और वो वन डिवाइस ट्रिक भी आपको बता दूंगा कैसे करना है, एक ही डिवाइस में आप रेफर यहाँ पर कर सकते हो। तो चलिए बिना कोई डैमेज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम पर आकर टेक्नोएसवन सर्च करोगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह होते हैं सब कुछ आपको यहीं पर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली गाइज ये एप्लीकेशन पुराना हो सकता है, इसके बारे में आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इस ऐप का नाम है गाइज मूवीन। यहाँ पर देख सको मूवीन ऐप है, इसमें आपको साइन अप करने के लिए 25 रुपीज़ मिलता है और पर रेफर 25 रुपीज़ मिलता है। कैसे करना है सब कुछ बताऊँगा। ये समझ लीजिए FYP ऐप की तरह ही है। अगर आपने ये वाला जो ऐप है FYP इसे यूज़ नहीं किया है तो ये दोनों ऐप लगभग लगभग सेम ही है। इस एप्लीकेशन का अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किया, नहीं जानते उसके बारे में, तो इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उसे वॉच कर लीजिएगा उस वीडियो को। इससे भी आपको 25 रुपये साइन अप पर रेफर 25 मिलता है। तो गाइज इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिलेगा, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसे आप इसे डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ओपन पर क्लिक कीजिएगा, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे देखिए गेट स्टार्टेड लिखा हुआ, गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। वैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और रेफरल कोड मांगा जाएगा। तो नेम में वही नेम डालेगा जो आपका पैन कार्ड में है, और ज़रूरी नहीं है कि आपका ही पैन कार्ड हो, किसी का भी पैन कार्ड चलेगा। यहाँ पर OTP वगैरह की कोई झंझट नहीं है, किसी का भी आप पैन कार्ड यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए और रेफरल कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। आपको रेफरल कोड को देखकर यहाँ पर एंटर कर देना है। रेफर कोड डालोगे तो आपको 25 रुपये का सारा बोनस मिलेगा। उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। 4 डिजिट का OTP होगा और यहाँ पर टिक बॉक्स जो देखने के लिए मिल रहा है इसे टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद सिंपल से आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए बायोमेट्रिक सेट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपके डिवाइस में फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट सेट कर लीजिए, वरना पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देखिए डन करके आ जाएगा, ऑल डन, इसे आपको यहाँ पर कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ देखिए मेन इंटरफेस पर आप एप्लीकेशन का पहुँच जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिए क्रिएट योर ओन वॉलेट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट योर ओन वॉलेट पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर KYC करने के लिए बोला जाएगा, बेसिक KYC, इसे आपको कम्प्लीट करना ही पड़ेगा तभी जाकर आगे का टास्क आप परफॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पैन कार्ड, 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपल सा पैन कार्ड डाल दीजिए, फिर जो भी आपके पास डिटेल वो एंटर कर दीजिएगा। वो एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए टाइटल पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका पैन कार्ड में नाम हो, पैन कार्ड में यहाँ पर मिस्टर मिसेज जो भी है उसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए और पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ वो सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ मांगा जा रहा है। तो जो भी पैन कार्ड का आपका फोटो होगा गैलरी में भी होगा तो वहाँ से आपको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। कोई झंझट नहीं है, कोई OTP वगैरह की नीड नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो जैसे ही सब कुछ डिटेल फिल करके नेक्स्ट करोगे तो आपको वेरीफाई के लिए OTP मांगा जाएगा। तो जिस भी नंबर से आपने यहाँ पर रजिस्टर किया एप्लीकेशन में उसी नंबर पर OTP जाएगा। तो सिंपली आपको उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद सिंपल से यहाँ पर टिक लगा देना है एग्री के बॉक्स पर, यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। अभी देखिए गाइज मेरे वॉलेट में यहाँ पर 50 रुपीज़ शो कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी इसे ट्राई कर लिया है। यहाँ देखिए गाइज 2 रेफरल रिवॉर्ड शो कर रहे हैं, एक मैंने रेफर किया था, एक गाइज जिसका मैंने रेफरल कोड यूज़ किया था उसके लिए 25 दिया गया। इसलिए मस्ट आपको रेफरल कोड यूज़ करना ही है तभी जाकर आपको 25 रुपये मिलेंगे। तो जैसे आप रेफरल कोड यूज़ करोगे, साइन अप वगैरह बेसिक वैसी कर लोगे तो तुरंत आपको नहीं मिलने वाला है। तो गाइज आपको कैसे 25 रुपये मिलेगा, यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपको यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपीज़ का एड मनी करना पड़ेगा। तो सिंपल से क्या कीजिए, यहाँ पर एड मनी पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट में आपको डाल देना है 1000 रुपये। 1000 डालने के बाद सिंपल से यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए UPI का ऑप्शन है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। तो गाइज यहाँ पर आप क्रेडिट डेबिट कार्ड में धनी का कार्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर 2% का चार्जेस लगेगा। और यही आप 1000 रुपये छोड़कर यहाँ पर 100-100 रुपये करके करते हो। जैसे मैंने 100 एंटर किया, चलिए हम 100 एंटर कर लेते हैं, इसे यहाँ पर कट करते हैं, 100 करते हैं। 100 करने के बाद प्रोसीड करते हैं और क्रेडिट डेबिट कार्ड करते, देखिए अब 2% के चार्जेस हट गया है। तो आप धनी का कार्ड यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन आपको 100-100 रुपये करके करना पड़ेगा, यानी कि 1-1 रुपये करके आपको यहाँ पर कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि डायरेक्टली आप कर लीजिए, उतना आपको झंझट नहीं लेना है। यहाँ पर आपको 1000 रुपये डालना है, प्रोसीड कर देना है, यहाँ पर UPI ID अपना एंटर कर दीजिएगा, Pay 1000 पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है UPI ID, Pay 1000 पर क्लिक कीजिए, तो आपका UPI ID में एक रिक्वेस्ट चला जाएगा, वहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। जैसे पे करोगे तो यहाँ पर 1000 रुपये एड मनी हो जाएंगे। तो भी इंस्टेंटली नहीं मिलता है यहाँ पर,
थोड़ा देर वेट कीजिए, यहाँ पर मुझे तुरंत नहीं मिला था, नेक्स्ट डे यहाँ पर मुझे सुबह सुबह यहाँ पर कैशबैक देखने के लिए मिल गया था। यानी कि आज अगर आप ट्राई करते हो तो कल सुबह आपको यहाँ पर कैशबैक मिल जाएगा, कुछ समय के बाद आपको मिल जाता है, लेकिन 100% मिलेगा ये। तो यहाँ पर आपको 25 रुपये मिल जाएंगे, आपने जिसका रेफर कोड की यूज़ किया होगा उसके लिए आपको यहाँ पर 25 रुपये का कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप इस पैसे को कैसे निकालोगे, 1025 रुपये आपके वॉलेट में हो जाएगा। चलिए रेफर का सिस्टम पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो रेफर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ऊपर प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए रेफर एंड अर्न का सेक्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको अनलिमिटेड अगर रेफर करना है तो सिंपल सा रेफर कोड को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्लोन बना लीजिए इसका, इस एप्लीकेशन का। देखिए मल्टीपल अकाउंट है, यहाँ से आपको क्लोन बना लेना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ से क्लोन बनाइए और एक न्यू अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। और न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहाँ पर किसी और का पेन कार्ड दे दीजिए और अपना रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा। तो इसमें आपको 25 रुपये रेफर का मिल जाएगा और उसमें भी आपको 25 रुपये मिल जाएगा, लेकिन 1000 रुपये मस्ट ऐड कर लीजिएगा, तभी जाकर आपको रेफरल बोनस और उसमें साइनअप बोनस दोनों मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, मस्ट आपको 1000 रुपीज़ ऐड करना है। तो इतना सब काम हो गया, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको यहाँ पर कैसे पैसे को निकालना है, चलिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको एक डेबिट कार्ड देखने के लिए मिलेगा, माई कार्ड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको कार्ड डिटेल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको फ़ोन नंबर पर OTP जाएगा, OTP फिल कीजिएगा तो आपका पूरा कार्ड डिटेल शो हो जाएंगे। जैसे कि देखिए मैंने OTP डाला तो मेरा कार्ड डिटेल यहाँ पर शो हो गया। तो आपको इसे कहीं लिख कर रख लेना है गाइज। अब आपको क्या करना है, इसे बैक करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और एक काम कीजिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से बैक करके। बैक करते हैं, माई कार्ड पर आपको आना है। आने के बाद यहाँ एडिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर लिमिट लिखा होगा, एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट पे जाइए। और ऑनलाइन यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ लिखा होगा, सिर्फ 1000 को कट करके आपको 10,000 कर देना। मैक्सिमम आप 10,000 रुपीज़ ही खर्च कर सकते हो, देख सकते हो मैक्सिमम 10,000 है। और इसे कट कर दीजिए, कट कीजिएगा सक्सेसफुली आपका 10,000 यहाँ पर हो जाएगा, वरना आपका यहाँ पर 1000 रुपये ही रहेंगे। अब चलिए आपको कैसे निकालना पैसे को, सिंपल से आपको धनी में आ जाना है। आपको यहाँ पर धनी को हम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस सिंपल से आपको धनी में आना है। धनी में आने के बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। जितना भी आपका अमाउंट है 1025 होगा तो 1025 एंटर कर दीजिए। मेरा जैसे कि अभी 50 रुपीज़ फंसा हुआ है तो 50 मैं एंटर करता हूँ, ऐड मनी पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में कई सारे पेमेंट ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है, देखिए डेबिट कार्ड का ऑप्शन, तो डेबिट कार्ड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अपना जो कार्ड नंबर होगा वहाँ पर आपको कार्ड नंबर जो मिला है उस कार्ड नंबर को एंटर कीजिए। वैलिडिटी CVV नेम ऑन कार्ड, जो भी आपका कार्ड पर नेम होगा वो, कार्ड टाइटल पर रुपये लिख दीजिएगा और यहाँ पर सिंपल से पे पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आप पहले डिटेल ऐड कर लेते हैं। तो गाइज देख लीजिए, जैसे मैंने डिटेल डालकर यहाँ पर पे पर क्लिक किया कन्फर्म पर, तो कन्फर्मेशन मांगा जाएगा, मैं कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ का आपका फ़ोन नंबर पर OTP चलाया जाएगा, जिस भी नंबर से आपका यहाँ पर बना होगा मूविन वॉलेट। तो चलिए OTP हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। पहले OTP हमने फिल कर लिया, OTP फिल करने के बाद सिंपल से हम सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे गाइज, थोड़ा सा आपको वेट करना है और आपका पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुल। तो देख सकते हो गाइस सक्सेसफुली हमारा ट्रांजैक्शन हो चुका है, 50 रुपीज़ हमारा धनी में ऐड हो गया। तो सिंपल हम डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ देख लीजिए 50 रुपये आ चुके हैं। अगर आपके जहाँ जहाँ पैसे होंगे सबसे यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है एक धनी वॉलेट में, और उसके बाद निकालने का ट्रिक मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकालना है। तो गाइस एक और वॉलेट में मेरे 25 रुपये थे तो मैंने यहाँ पर 25 ऐड कर लिया। अब सिंपल से मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, OTP वगैरह सब कुछ आ चुका है और इस 25 रुपये को भी चलिए हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये भी 25 रुपये हमारा ऐड हो चुका है। अब इसे भी हम डन पर क्लिक कर देते हैं, टोटल हमारे वॉलेट में हो गए 75 रुपीज़। अब गाइस इस पैसे को आपको बैंक में कैसे ट्रांसफर करना है, एक ट्रिक ये गाइस कि इस पैसे को आपको यहाँ पर पहले MobiKwik में ऐड कर लेना है। यहाँ पर MobiKwik में आइएगा, यहाँ पर ऐड बैलेंस पर क्लिक करके ऐड मनी पर क्लिक कीजिए। जितना भी आपका अमाउंट होगा वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है, जितना भी हो कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, न्यू डेबिट क्रेडिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर धनी का कार्ड नंबर ऐड कर देना है, धनी का कार्ड नंबर एंटर कर दीजिए, कार्ड का एक्सपायरी डेट, CVV सब कुछ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर पे 75 या जितना रुपये होगा एंटर करके आपको OTP आ जाएगा धनी में, पर क्लिक करके आपका मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर OTP आ जाएगा, OTP एंटर कर दीजिएगा, सब पैसा चला जाएगा MobiKwik में। अब MobiKwik से कैसे ट्रांसफर करना है, तो सिंपली गाइस आपको पार्क प्लस एप्लीकेशन में आ जाना है। आपको पता ही होगा कि अगर आपका फास्टैग वर्किंग नहीं भी है तो भी आपको यहाँ पर पार्क प्लस एप्लीकेशन में ये वर्क करता है, फास्टैग जो भी है। आपको यहाँ पर फास्टैग पर क्लिक करना है, फास्टैग रिचार्ज में जाइएगा, जो भी आपको यहाँ पर फास्टैग हुआ, जैसे कि मेरा जो फास्टैग अभी वर्क नहीं कर रहा तो मैं इस फास्टैग पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए ये अभी वर्क करने लगेगा, जैसे कि देख लीजिएगा ये अमाउंट डालने का सेक्शन आ गया। आप 100 रुपये मिनिमम रिचार्ज कर सकते हो, यहाँ पर 100 एंटर करके सिलेक्ट पेमेंट मेथड पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको MobiKwik का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो MobiKwik पर क्लिक कीजिए और अपना वॉलेट जो भी होगा MobiKwik का उस नंबर से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना। ऑप्शन देगा आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज करने का,
मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी मांगा जाए तो कोई से भी ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए, सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मूवी क्विक में लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो गाइस जो भी मूवी क्विक में अकाउंट आपका लॉगिन है वो एंटर कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि मेरा देखिए ओटीपी आ रहा है, तो मान लीजिए इस नंबर से नहीं है तो चेंज पर क्लिक कर दीजिएगा, और जिस भी नंबर से मूवी क्विक है उस नंबर को आप यहाँ पर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करके सिंपली पेमेंट यहाँ पर कर देना आपको, तो यहाँ पर सक्सेसफुली फास्टैग रिचार्ज आपका हो जाएगा। फास्टैग रिचार्ज यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर ट्रांसफर मनी पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको ट्रांसफर टू बैंक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है जिसमें भी पैसे चाहिए, सिंपल से उस पर क्लिक कीजिए। और एक चीज़, यहाँ पर आपको 10 रुपीज़ का चार्जेस काटा जाएगा, 2.75 लिखता है लेकिन 10 रुपीज़ का चार्जेस काटता है। जैसे कि मैं 75 मुझे करना है तो मैं 65 डालूंगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा, देख सकते हो 75 रुपीज़ टोटल डिडक्ट होंगे, 10 रुपीज़ चार्जेस काटा जाएगा। उसके बाद सिंपल से ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है, तो आपने जो भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया होगा उसमें पैसे चले जाएंगे। इंस्टेंटली नहीं जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको पैसे सक्सेसफुली पहुँच जाएंगे, मैंने इससे पहले ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो चलिए गाइस यही सिंपल से ट्रिक से, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने एंड से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।